ये जो आप बता रहे हैं ये मेरे भी संज्ञान में आया है और हम इस प्रकरण में अब विधिवत कार्रवाई करा कर जांच करा रहा हूं और जांच कराने के बाद इस पर दोषी मुझे एक रिपोर्ट मिली कि यहां पे C-102 मकान नंबर है, वहां पे आउटहाउस में कुछ अवैध वेंडिंग का काम चल रहा है और मैं यहां पे छापामारी करने के लिए RPF के साथ आया तो पाया कि यह एक ट्रक भर के जो अनऑथराइज पानी है, जो रेलवे में ऑथराइज नहीं है, वो पानी भरा हुआ निकलते समय हम लोगों ने उसको रोका। प्लस जो आउटहाउस है उसके कमरों में पेठे और डीप फ्रीज़र वगैरह रखे गए हैं, इससे लगता है कि ये काम काफ़ी दिनों से चल रहा है और कोशिश करेंगे कि आज सारा ये हमारे RPF के सारे इनको हैंडओवर करा रहे हैं, ये सारे सीज कर देंगे और आगे से इस पर कड़ी कार्रवाई करते रहेंगे। रात में भी गश्त लगाते रहेंगे जिससे इस तरह के अनऑथराइज वेंडिंग रेलवे के मकान से कम ना हो। साथ ही साथ जिन जिनके नाम पे ये क्वार्टर अलॉट है उनके अगेंस्ट भी हम लोग DR एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू करें।